आप सभी को नमस्कार। आइए सुनते हैं महान ऋषि विभांडक की कहानी, जिनका वीर्य एक हिरनी के गर्भ में स्थापित हुआ, जिससे कि महान ऋषि श्रृंगी जी का जन्म हुआ, जिन्होंने दशरथ जी के यहाँ जाकर पुत्र श्री यज्ञ करवाया था। मुझे कुछ भी भला बुरा कहने से पहले या अपने मन में अपनी भावनाओं को आहत करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि इस कहानी को आप अंत तक अवश्य सुनिएगा। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। हमारे पौराणिक ऋषि मुनि बहुत ही बड़े तपस्वी और अत्यंत ज्ञानी हुआ करते थे। एक व्यक्ति को उत्पन्न करना भी उनकी विद्या का छोटा सा हिस्सा हुआ करता था। तो आइए जानते हैं एक ऐसे ही ऋषि श्रृंगी, उनके विचित्र जन्म के बारे में कि आखिर कैसे उनका जन्म एक हिरणी के गर्भ से हुआ था। श्रृंगी के पिता का नाम महात्मा विभांडक एक बहुत बड़े तपस्वी थे। माना जाता है कि विभांडक ऋषि के कठोर तप से देवराज इंद्र भी घबरा गए थे। इंद्र जो कि हमेशा ही भयभीत रहा करते थे कि अपनी तपस्या से कोई उनके इंद्रपद को प्राप्त न कर ले, वह देवताओं की बात में आ गए। उन्होंने विभांडक मुनि की तपस्या को भंग करने के लिए अपनी अप्सराओं में सबसे श्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी को उनके पास भेजा। उर्वशी अपने उस सौंदर्य के साथ विभांडक मुनि की तपोस्थली पर जा पहुंची। वहां पर विभांडक मुनि कुंड में ध्यान लगाए गहन तपस्या में लीन थे। वहां जाकर उर्वशी ने अपने सौंदर्य का जादू बिखेरना प्रारंभ कर दिया। उसने बड़ी ही सुंदर सी संगीत की ध्वनि उत्पन्न की, साथ ही बदल बदल के वातावरण पर भी उसने माधुरी का ऐसा मुंह का सम्मोहन डाल दिया जिससे कि ऋषि का मन अपनी तपस्या से बाहर निकल आया। जब उन्होंने आंखें खोली तो अपने सामने अपूर्व सुंदरी एक अप्सरा को देखा। उर्वशी उस समय अपने हाव भाव से कामदेव को भी लज्जित कर सकती थी और उसी के उन हाव भाव को देखकर ऋषि के मन में थोड़ी देर के लिए काम भावना का उदय हुआ, जिसके चलते वर्षों से संचित उनका वीर्य कुंड में ही प्रवाहित हो गया। ऋषि कावेरी प्रवाहित होते ही उनकी वर्षों से चलने वाली बात अपन साधना खंडित हो गई। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लग रही है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें आपको तो 2 से 3 सेकंड का समय लगेगा, लेकिन हमारा चैनल से जीवंत रहेगा और सनातन के लिए किया जा रहा हमारा प्रयास अन्य लोगों तक पहुंच सकेगा, तो हम आपसे इतनी अपेक्षा तो कर ही सकते हैं। अब आइए कथा पर वापस लौटते हैं। वीर्य गिर जाने के कारण महात्मा विभांडक की तपस्या भंग हो गई, जिसके पश्चात महात्मा विभांडक को बड़ा पछतावा हुआ। पछताते हुए महर्षि विभांडक अपने आश्रम में चले गए। फिर कुछ समय बाद एक प्यासी हिरनी उस सरोवर के पास आई और सरोवर से पानी पीने लगी, जिसके साथ साथ प्यासी हिरनी महर्षि विभांडक का पानी में गिरा हुआ वीर्य भी पी गई, तथा उसी कारण से वह हिरनी उस वीर्य से गर्भ धारण कर लेती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि वह हिरणी भी पहले एक देवकन्या ही थी, जिसे किसी कारणवश परमपिता ब्रह्मा जी ने एक योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया था। इस प्रकार हिरणी बनी देवकन्या समय आने पर एक बच्चे को जन्म देती है, जिसके माथे पर एक सींग भी उगा था। माथे पर सींग होने के कारण उनका नाम श्रृंगी पड़ा था। उसके बाद उस बच्चे को विभांडक ऋषि ने स्वयं पालन पोषण कर बड़ा किया। कालांतर में यही ऋषि श्रृंगी ने, जो कि एक तरह से राजा दशरथ के दामाद थे, उन्होंने राजा दशरथ के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाए थे, क्योंकि एकमात्र ऋषि श्रृंगी थे जो यज्ञ को संपन्न करा सकते थे, क्योंकि पुत्र कामेष्टि यज्ञ बहुत ही महान यज्ञ होता है और इसे सिर्फ एक निर्मल हृदय वाला व्यक्ति ही संपन्न करा सकता है, जिसने कभी पाप के बारे में सोचा भी ना हो, और ऐसे ऋषि केवल श्रृंगी ऋषि ही थे। कहते हैं कि तपस्या करने से उनके सर से वह सिंह भी गायब हो गया था और वे प्रसन्नता पूर्वक अपनी पत्नी के साथ तपस्या करने में लगे रहे। तो मित्रों, आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। कैसी लगी आपको यह प्रस्तुति कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।